हेलो, वेलकम बैक टू अपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए एक न्यू रेफिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूं। इस प्लॉट के फ्रंट की बात करें तो इसका जो फ्रंट रहेगा वो रहेगा 26 फीट 8 इंच रहेगा, और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 30 फीट रहेगी, और इधर की जो डेप्थ रहेगी वो हमारी रहेगी 30 फीट 10 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। और इसका जो बैक रहेगा वो रहेगा 27 फीट रहेगा, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ी आपको रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसका जो हमारा मेन गेट रहेगा वो हमारा मेन डोर यहाँ से रहेगा, मेन गेट जो रहेगा वो हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है गाइस। आपको अब आपको मैं थोड़ी इसके डिटेल बताने जा रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर हमारा एक बेडरूम रहेगा, एक लॉबी रहेगी, एक टॉयलेट रहेगा, एक ओपन एरिया, एक टॉयलेट, और एक इसके अंदर ड्राई रूम रहेगा, और एक इसके अंदर किचन रहेगा, और एक इसके अंदर हमारा पॉर्च हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आपको थोड़ी इसकी मैं डिटेल बता दूँ, ठीक है गाइस। हमारा जो पॉर्च है, पॉर्च की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 9 फीट, चौड़ाई जो इसकी रहेगी वो रहेगी 13 फीट 3 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। और ये जो हमारी चौड़ाई रहेगी ये 3 फीट 3 इंच रहेगी, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से इसकी ये रहेगी, और इसकी भी चौड़ाई हमारी यही रहेगी 3 इंच 2 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। अब इस हमारे इसके हम ड्राई रूम की बात करें तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट, और चौड़ाई जो रहेगी हमारी इसकी रहेगी 14 फीट 6 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। और किचन की हमारी लंबाई रहेगी 6 फीट, और चौड़ाई जो रहेगी वो 7 फीट 3 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। अब इसकी लॉबी की बात करें तो लॉबी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट 7 इंच, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 13 फीट, ठीक है गाइस। और इसकी जो हमारी इसके बराबर में लॉबी से हमारा जो टच है वो बेडरूम है, बेडरूम की लंबाई हमारी 10 फीट रहेगी और चौड़ाई रहेगी 14 फीट रहेगी, ठीक है गाइस। और अब टॉयलेट की बात करें, टॉयलेट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 5 फीट, चौड़ाई रहेगी 6 फीट। ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि इसका टॉयलेट, और इधर ये भी टॉयलेट है, और इसका वेंटिलेशन और हमारा हो जाएगा वो इधर से ही हो जाएगा। इसका जो हम ओपन एरिया रखा हुआ है ये गाइस, इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट, और चौड़ाई जो है इसकी वो 4 फीट है। इस वाले टॉयलेट की हमारी 5 फीट 3 इंच रहेगी, ठीक है गाइस। अब आपको मैं इसके वेंटिलेशन और थोड़े डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इसका ओपन डोर जो डोर रहेंगे इसके वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, ठीक है गाइस। एक हमारा डोर ड्राई रूम के, हम इधर से भी ड्राई रूम से ही इसका एक डोर रख सकते हैं, वो डोर यहाँ से भी रख सकते हैं गाइस, ठीक है। और डोर हम इसका यहाँ से भी हैं, इसका डोर हम जो मेन है वो यहीं पे रखते हैं, ठीक है गाइस। इसका एक डोर हम यहाँ से रख लेंगे, ठीक है गाइस। और एक ड्राई रूम का जो लॉबी से टच है वो एक ड्राई रूम, वो इसका हम एक डोर यहाँ पे टच कर लेंगे, ठीक है गाइस। और इसका जो वो रहेगा किचन का डोर हमारा वो यहाँ से रहेगा, ठीक है गाइस। और ये जो हमारा पॉर्च है, पॉर्च में एक इसका एक हम जो रखेंगे वो एक मेन डोर रखेंगे, एक डोर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पॉर्च से ही हमारा एक डोर यहाँ पे हो जाएगा, और एक हमारा बेडरूम का जो डोर रहेगा वो हमारा डोर यहाँ से रहेगा, ठीक है। और इसका डोर हमारा यहाँ से हो जाएगा, टॉयलेट का इसका हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वेंटिलेशन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा वेंटिलेशन जो रहेगा, इस ड्राई रूम का जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा बाहर रहेगा, और इसका जो रहेगा ये पॉर्च जो हमने ओवन थोड़ा एरिया दिया था किचन के लिए, एक वेंटिलेशन हमारा यहाँ से हो जाएगा, एक वेंटिलेशन हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है गाइस। और इस बेडरूम का जो रहेगा वेंटिलेशन हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है। और इसका वेंटिलेशन लॉबी का हमारा यहाँ से रहेगा, और इसका जो वेंटिलेशन टॉयलेट का है वो इस ओपन से हम टॉयलेट का कर सकते हैं वेंटिलेशन, और इस वाले का भी वेंटिलेशन हम यहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर गाइस आपका ये सेम प्लॉट आपका भी ऐसा ही है तो गाइस आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं, अलग डिफरेंट चाहिए, तो गाइस आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी में ही है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर गाइस अपेक्स आर्किटेक्ट्स।